हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आया हूँ मैं चाचा जी के घर, जिनके यहाँ के हमने होली भी सेलिब्रेट की थी, तो आपको भली भांति पता होगा। तो आज है यहाँ पर शानू मेला। शानू मेला हर साल मनाया जाता है यहाँ पे। और बाकी गाइस, पिछले कल ही शाम को मैं यहाँ पर आया हूँ, और जो भी यहाँ पर रहता है साफ़ सफाई वगैरह वो हमने कर ली है, और खाना वगैरह बना लिया मेहमानों के लिए। और इसके बाद देव कार्यवाही होगी नीचे, वो शायद हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मनाही होते वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे। तो बाकी दिखाएंगे आपको, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा जो भी रहेगा वो दिखाएंगे आपको। राज ठाकुर जो कि कुलवी सिंगर है, वो यहाँ पर मेन सिंगर के तौर पर आ रहे हैं आज। तो दिखाएंगे आपको पूरा मेला किस तरह से रहेगा। बाकी गाइस जो अभी हमारे साथ हैं वो अभी फ़ोन पर बात कर रहे हैं पीछे, मैं मिलाता हूँ आपसे उनको। ये है रेखा जी यहाँ पर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? बाकी गाइस ये ना जो वीडियो बना रहे बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज इनको सपोर्ट करना। शुक्रिया, थैंक यू। बाकी आप मेरी वीडियो में देखना क्या मेहनत की है इन्होंने। और ये भी अपनी वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो कंटेंट लाते हैं उनको भी देखेगा आप जरूर जरूर गाइस। लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। हाँ जी, मैं भी मेंशन कर लूंगी इनको मेरे चैनल पे भी। बाकी बने रहिए ब्लॉग में, और आपको पूरा मेला बताएंगे किस तरह से रह रहा है। दिखाती मैं आप सभी को मौसम। और गाइज मौसम देखिए आज कितना सुहावना है। बाकी बारिश हुई है बहुत दिनों बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो ये हमारे लिए राहत की बात है। बाकी गाइज यहाँ देखिए जो देवता कश्यप नारायण जी के है, वो दो मंदिर है, एक यहाँ पर कंगति में और एक बनोगी में। और जो यहाँ का मेला होता है, इस मेले में देवता कश्यप नारायण जी भी आते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं नीचे श्रद्धालु कितने आए हैं दूर दूर से। बाकी गाइज यहाँ पर देखिए हमारे चाचा जी बर्तन धो रहे हैं फिलहाल, तो बेचारे जैसे ये ऐसे ब्लॉग बनाने के चक्कर में इधर चाचा जी से काम करवा रहे हैं। और गाइज अभी सब लोगों ने खाना खा लिया है और तैयार हो चुके हैं, और बाकी देवता भी निकल चुके हैं नीचे। तो अब सब लोग नीचे जाएंगे देवता के पास, और ये भी हमारे साथ कुलगर, इसका भी प्लान बन रहा है आज ब्लॉग बनाने का, देखते हैं क्या होता है। और अपने चाचू साहब पीछे, ये भी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं मेले में जाने के लिए। तो आपको मिलते हैं सीधा नीचे जाके। और बाकी एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको नीचे, जो देखिए टेंट वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो दिखाएंगे आपको इसके बाद, बने रही ब्लॉग में। तो गाइज अभी तक काम करके हम लोग पूरी तरह थक चुके हैं, तो थोड़ा मतलब ऐसा था कि बहुत सारे मेहमान होने के कारण अब भीड़ में रहना थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहीं गांव के जस्ट साथ में एक चश्मे का पानी वहां तक आए हैं। यहां पर देखिए कितना अच्छा नेचर भी है पीछे, और शांत नेचर भी। और मेरे साथ है हमारे चाचू साहब और द लाइफ ऑफ कुल्लू हमेशा की तरह। प्रोग्राम की आवाज़ आ रही थी ना, अभी हम दूर आ गए हैं तो वो आवाज़ नहीं आ रही अभी, कहाँ से आएगी, इसलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। और बाकी गाइस जितने मेहमान हुए ना दिन को, क्या बताएं, पूरा मतलब फुर्सत नहीं, फोन था तब से लेकर एक जगह ही पड़ा हुआ। शाम को एंट्री। हाँ, तो अभी आपको बाकी चश्मे का पानी दिखाते हैं। तो गाइस ये है वो चश्मे का पानी जो मैं आपको बता रहा था। ये पानी जो है गर्मी में इतना ठंडा होता है ना, क्या बताएं, फ्रिज का पानी मतलब इसके सामने कुछ नहीं। और बाकी गाँव के काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर पानी लेने, देख सकते हैं आप केन है यहाँ पे पानी की। और बाकी आपको थोड़ा आगे दिखाते हैं यहाँ का नेचर, शांत नेचर। तो गाइज ये वो जगह है जहाँ पर दादाजी ने जो अपनी मूवी की शूटिंग की थी, एक मूवी की ठारा कोठी रनेगी, आप YouTube में जाके देख सकते हैं उनकी उस मूवी को, बहुत ही शानदार मूवी है, फनी मूवी है वो, लोकल हमारे कुलवी लैंग्वेज में, तो ज़रूर देखें आप लोग। वो ये जो एरिया है ना यहाँ पर शूटिंग हुई थी, एंड सीन जो है यहाँ पे शूट हुआ था शायद, और बाकी एक दो सीन बीच के इधर कहीं हुए थे शूट, जैसे कि मैंने देखा वीडियो में। और गाइज बाकी मैं एक खूबसूरत सी लोकेशन में आ चुका हूँ अभी, आप देख सकते हैं नीचे पूरा बाशिंग दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर नज़ारों का मज़ा ले रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया देवता के वहाँ जो है देव कार्यवाही होती है, वो उसमें जो वीडियो बनाना मना है जो भी देवली होती है, तो मतलब
उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या होता है देवली में, जिन लोगों को नहीं पता है। वैसे जो भी लोग देखते हैं उनको ऑलमोस्ट पता ही है कि भाई हमारे जो है कुलबी कल्चर में जो है क्या क्या होता है जब देवली होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो दोस्तों देवता जो है अपने जो है मंदिर से बाहर आते हैं और वहाँ पे जो है सबसे पहले गुड़ खेल होती है, जो कि आज वहाँ पे भी हुई देवता कश्यप नारायण जी के वहाँ। और गुड़ खेल होने के बाद जो है देव नृत्य, देव हुलकी होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा होता है उस वक्त। और उसके बाद जो है देवता जो है हुलकी के बाद अपने मंदिर में वापस चल जाते हैं और उसके बाद गुड़ के माध्यम से जो है जो भी होते हैं लोग गांव वाले या फिर हरियाण सारों को जो है बताया जाता है कि अच्छा बुरा जो भी है क्या होगा क्या नहीं, ये सब चीज़ें देवते के बारे में देवता जो है गुड़ के माध्यम से बताते हैं। हाँ जी, अभी तो नाच रहे होंगे सारे, नाच रहे हैं लगता है, मुझे सारे नाच रहे हैं। हो हाये ता हो लगे उतरी नर से की हाँ तू मालिक
चलना ऐसा खेल रचा के बेचे लग तुम बना के बेचे तनु बना के बेचे जाएंगे सवेरे वाली
थैंक यू सो मच भाई।